हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ ये पनीर चीज़ी सैंडविच कैफे स्टाइल बिल्कुल। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत हैं और खाने में ये उतने ही टेस्टी और हेल्दी हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोल के अंदर डालूंगी अनियन। मैंने यहाँ पे अनियन लिया था, दो मैंने मीडियम अनियन लिए हुए हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटो, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ग्रीन चिली। आप इसमें अपने मनपसंद के कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, लाइक आप कॉर्न डाल सकते हो या फिर आप कैप्सिकम डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। बीन्स डाल सकते हो, कैरेट डाल सकते हो, रॉ खाने वाली जो भी सब्जियां हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी यहाँ पे चीज। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, सॉल्ट कम ही रखें थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मेयोनीज। मैंने यहाँ पे लिए मेयोनीज। मेयोनीज इसको बाइंड करने में मदद करेगी, तो ये आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं आप मेयोनीज को। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटो केचप। आप टमाटो केचप भी डाल सकते हो या फिर आपके पास अगर आप रेड चिली सॉस डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। मैं यहाँ पे रेड चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ, उसके बदले मैंने यहाँ पे टमाटो केचप डाला है। आप दोनों डाल सकते हो, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो आप वैसा कर सकते हो। उसके बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लूंगी। सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पनीर। तो दोस्तों पनीर आप यहाँ पे एंड में ही डालें, क्योंकि अगर आप पनीर के साथ मिक्स करोगे तो पनीर के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आप पनीर को सारी चीज़ मिक्स होने के बाद ही डालें और उसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करें। स्पैचुला से ये टूटेगा नहीं, अगर आप स्पून से करोगे तो आपका पनीर जो है वो टूटने लगेगा। अगर आप क्यूब्स में चाहते हो तो ये करें, अगर आप ग्रेट करके डालना चाहते हो तो आप तो कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी फिलिंग को तैयार कर लिया है और अब मैं लूँगी यहाँ पे ब्रेड। सबसे यहाँ पे ब्रेड पे मैं लगाऊँगी बटर। ये मेरा होममेड बटर है दोस्तों, आप इसको अपने घरों पे इजीली बना सकते हो। आपको उसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से देख के इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बहुत आसान होता है बटर को घर पर बनाना, मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा आता है, कॉस्टली आता है, सब लोग नहीं मंगा पाते हैं। अगर आप मेरे तरीके से इसे बनाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और लगेगा बिल्कुल मार्केट जैसा। मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर पहले मैं दूसरी ब्रेड पे बटर लगा लूँगी और अब मैं इनके ऊपर फिलिंग सेट करूँगी अपनी। इसको सेट करने के बाद दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे, हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करना है। उसके बाद मैं इसको ग्रिल करूँगी। यहाँ पे मेरा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं अपनी ब्रेड को यहाँ पे प्लेस करूँगी। दोस्तों अगर आपको ग्रिल पैन मंगाना हो तो जैसा मेरा पैन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप इसको भी मंगा सकते हो, काफ़ी सस्ता है, आप इसे मंगा सकते हो और काफ़ी अच्छा है। इस पर ग्रिल के निशान बहुत ही अच्छे आते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली मंगा सकते हो। इसको मैं यहाँ से टॉस कर दूंगी। ये देखिए आया ना कितना बढ़िया ग्रिल का निशान। यहाँ पे मैं इसको निकाल लूंगी, ये दोनों साइड से हो गया है लगभग, ये देखिए। और इसको मैं निकाल लूंगी यहाँ पे और इसको मैं एक नाइफ की मदद से जिल से एकदम सैंडविच मार्केट में मिलता है उस तरीके से मैं इसे कट कर लूंगी। और ये देखिए मेरा पनीर सैंडविच एकदम तैयार है। और ये देखिए फाइनली मेरे यहाँ पे पनीर चीज़ी सैंडविच एकदम तैयार हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे हैं। आप देख सकते हो जैसे कैफ़े में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके के बने हैं।
बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि इसमें केचप और मेयोनीज उनके सारी पसंदीदार चीज़ें मिली हुई है। और सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें यह है कि आपने इसमें पनीर मिलाया है तो बच्चे को खाने के लिए एक अच्छी चीज़ मिल जाती है सैंडविच के साथ साथ। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी।